नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का साथी। पुनः एक बार फिर से अभिवादन। खबर विस्तार से अनुदेशक शिक्षा मित्रों से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। दिसंबर माह का मानदेय आज 21 तारीख हो गई है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि अत्यंत दुखद बात है। ऐसे में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का घर कैसे चलेगा, आपको बताना चाहेंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का मानदेय भी इनको नहीं दिया जाता है, और इस बीच दिसंबर माह का मानदेय इतना लेट हुआ है, यानी कि 2 माह होने जा रहे हैं, इनको अभी दिसंबर माह का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। खबर निकल कर आ रही है 23 के बाद ही इनको मानदेय प्राप्त होने की संभावना है, यानी संभावना है, अभी प्राप्त होगा नहीं, ऐसा कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कब तक दिसंबर माह की ग्रांट जारी होकर अनुदेशकों के खातों में पहुंचेगी। यहां बताना ज़रूरी होगा, कई राज्य अपने संविदा कर्मियों को पूर्णकालिक शिक्षक बना चुके हैं, यानी कि उनको नियमित कर चुके हैं, लेकिन एकमात्र शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक शिक्षा मित्र हैं, जिनको अभी तक यूपी सरकार के द्वारा नियमित नहीं किया गया है, और ना ही उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी की गई है, ना ही समान कार्य समान वेतन दिया गया है। अनुदेशक शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया है। एक मंच पर आकर एक साथ एक सुर में अपने समान कार्य समान अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले अनुदेशक शिक्षा मित्र अब एक साथ एक मंच पर आकर आगे संघर्ष करेंगे, ऐसा समाचार आ रहा है। और अपने नियमितीकरण की लड़ाई वो तब तक लड़ेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में इनको नियमित नहीं किया जा सकता। अब देखना योगी सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। संभवतः जनवरी के बाद ये सभी लोग नियमितीकरण के लिए एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। एक बड़ी खबर, बड़ा समाचार निकल कर आया, जिसका सबूत, जिसका जीता जागता उदाहरण आप 27 दिसंबर 2023 के उस महाअभियान महाधरना प्रदर्शन में देख चुके हैं अनुदेशकों के लखनऊ से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्रों के अनुदेशक प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में आकर एक सुर में एक साथ कार्यक्रम करने की अपनी मांग उठाने की हामी भर चुके हैं। अब देखना ये है कि 1.25 लाख और 27 लगभग 2 लाख संविदा कर्मी एक साथ एक बार मंच पर आ जाएं, देखते हैं कौन सी वो ताकत है जो इनको नियमितीकरण करने से रोक पाएगी। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे, अगर ये लोग संगठित होकर अपना संघर्ष करेंगे, निश्चित विजय प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक शासन प्रशासन से मिल रहे हैं, कई राज्यों के उदाहरण पेश कर रहे हैं, वहाँ का जियो दिखा रहे हैं, वहाँ के वो आदेश दिखा रहे हैं, जिसमें उन राज्यों में वहाँ के संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। आइए दिखाते हैं कुछ राज्यों को उदाहरण, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में वस्तीशाला शिक्षक, हिमाचल में पैट प्राइमरी असिस्टेंट टीचर, और मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी के रूप में नियमित शिक्षक बना दिया गया है। बिहार में 2006 में ही समाप्त किया गया था, और फिलहाल इन्हें 35,000 से 48,000 रुपये मान प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार 9 और 18 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शिक्षा अनुदेशकों को क्रमशः 51,000 मासिक मानदेय दे रही है। हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ गेस्ट टीचर के पद पर कार्य संविदा शिक्षकों को 34,580 रुपये दे रही है। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, अभी जी महोदय से अनुदेशकों की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप अन्य राज्यों के जियो लेकर आइए, वो आदेश लेकर आइए, दिखाइए, ताकि हम आपकी मांग को वो आदेश लगाकर माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात को मुकम्मल रूप से रख सकें। इस बात से थोड़ा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मजबूती मिलेगी, यूपी सरकार ध्यान देगी, और इन सभी दस्तावेजों से यूपी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, ऐसा इसी प्रशासन का कहना है। खबर आ रही है शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्ष और अनुदेशकों के प्रदेश अध्यक्ष वो समस्त दस्तावेज लेकर लगातार मीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात रखने की
बात कर रहे हैं, जिसमें वो इन सभी दस्तावेजों को लगाकर अपने नियुक्तिकरण की गति को एक दिशा इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आपका भी नियुक्तिकरण हो, युग में अन्वेषक और शिक्षण मित्र नियुक्त किए जाएं, स्थायी किए जाएं। मिलते हैं किसी और ख़ास अपडेट के साथ। यहाँ पर छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप रहें हमारी हर खबर से रूबरू। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।